यस, कल का होमवर्क कितने बच्चों ने सॉल्व किया था? सीरियसली कितने सॉल्व किया था? यस, डाउट आया है, डाउट इन 2, 3 एंड 5. ओके, आई हैड ट्राइड बट डाउट इन सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है. खुशी सिंह, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सेकेंड वाला वो न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम या फिर वो डिफरेंशिएशन वाला? सेकेंड क्वेश्चन कौन सा वाला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर डिफरेंशिएशन? इंजन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इंजन ऑफ अ ट्रेन. यस, ओके ओके ओके, चलो लेट अस कम टू द सेकंड. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. The engine of a train passes an electric pole with a velocity u, and the last compartment of the train crosses the same pole with a velocity v. चलो इसको एनालाइज करते हैं. हमारे पास एक ट्रेन है, इस ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. Let's say this is compartment 1, compartment 2, 3, 4, 5, 6. Now this train crosses a pole. यहाँ पे एक pole है. This is your pole. ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना देते हैं. सपोज करो यहां पे एक पोल है, अब ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस कर रही है. हाँ, डाउट इन 5 एंड 6. ओके, पहले सेकंड वाला कर लो, सेकेंड और थर्ड कर लो, फिर 5 एंड 6 भी बता दूंगा, ठीक है. निक्की शर्मा, SVB प्रेजेंट. क्यों लेट है बेटा, ट्राई करो जल्दी आया करो. चलो निक्की शर्मा इज प्रेजेंट. तो देखो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो. द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल विद अ वेलोसिटी यू, and the last compartment of the train crosses the same pole with a velocity v. अच्छा, अब ये जो engine है, this is your engine. train का जो engine है, वो इस pole को कितनी velocity से cross करता है? u velocity से. और engine का जो last compartment है, जब ये last compartment यहाँ पे पहुँच जाता है ना? जब ये ट्रेन आगे की तरफ निकल चुकी होगी, है ना, कुछ टाइम बाद ये ट्रेन आगे निकल जाएगी. कुछ टाइम के बाद ये ट्रेन जो है वो आगे निकल जाएगी, और इसका जो लास्ट कंपार्टमेंट होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v. जब इस पोल को क्रॉस करेगी तब इसकी वेलोसिटी होगी v. दिस इज योर इंजन. After some time, the velocity of this last compartment will be v. ठीक है, last compartment की velocity हमें दे दी है और engine की भी velocity हमें दे दी है. अब question में पूछा क्या है? What is the question? Then find the velocity with which the midpoint of the train passes the pole. अच्छा. Assume the acceleration to be uniform. हमें mid point की velocity पूछी है. We have to find the velocity of this mid point
when this point crosses this pole, है ना, ये ट्रेन आगे की तरफ मूव हो रही है, तो जब ये पोल जो मिड पॉइंट है, जब ये इस पोल को क्रॉस करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है. साथ में उसने हमें ये भी बताया है कि अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मीन्स एक्सेलरेशन इज योर कॉन्स्टेंट. एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, दिस इज द कंडीशन गिवन. तो जब हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, when our acceleration is constant, then we can apply the equation of motion. हमारे पास तीन equation of motion होती है, v equal to u plus at. We have three equations of motion for constant acceleration. s equal to ut plus half at square. And v square minus u square equal to 2as. We have three options. So, बताओ कौन सी इक्वेशन यहां पे वैलिड होगी. If acceleration is constant, we have three possible equations. Then which is the most suitable one? Yes, third equation. Very good. Third equation is the most suitable equation. So, चलो third equation लगाते हम सबसे पहले. First, we will use the third equation. So थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो, v स्क्वायर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ योर बैक ऑफ द इंजन लास्ट कंपार्टमेंट. लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी कितनी है, v माइनस u स्क्वायर विच इज द वेलोसिटी ऑफ इंजन व्हेन इट क्रॉसेस द पोल, है ना. तो ट्रेन एक्सेलरेट करती हुई जा रही है और जो इसका इंजन वाला पार्ट है वो u वेलोसिटी से इस पोल को क्रॉस करता है, और जब तक ये ट्रेन का बैक ऑफ द पार्ट इस पोल तक पहुंचता है तब तक इसकी वेलोसिटी v हो चुकी होती है, ठीक है. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट. जब तक ये बैक ऑफ द इंजन आपका पोल तक पहुंचेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर ट्रेन, है ना. जब तक आपकी ये ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन इस पोल को क्रॉस करके आगे निकल चुकी होगी तो इस मोमेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा. सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ your problem, ठीक है. v square minus u square equal to 2al. ये सबको समझ आया? हाँ. Voice is not coming. अब आ रही है. अब आ रही है मेरी आवाज? Yes. Okay. So हमने क्या किया? Equation of motion लगाया पहले first point और last point पे, है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिल गया हमें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स al. अब हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे मिड पॉइंट के लिए. सो मिड पॉइंट के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, देखो, अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा. अब क्या होगा, देखो, vm स्क्वायर l by 2. हां, वेरी गुड. योर डिस्प्लेसमेंट विल बी l by 2. वेरी गुड. मिड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल बाई टू, और यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल बाई टू. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एल. वेरी गुड. सो वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एल बाई टू. दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. अब ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, फर्स्ट इक्वेशन से 2al का वैल्यू यहां पे पुट कर दो. 2al का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, vm स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ 2al फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन,
सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो नाउ विल सॉल्व दिस। तो यहां से आपको वीएम स्क्वायर कितना मिल जाएगा, वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू प्लस वी स्क्वायर बाय टू, सो दिस विल बिकम यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वीएम विल बी अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट व्हेन योर ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर मिड पॉइंट व्हेन योर ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबको समझ आया, यस क्लियर हो गया सबको, यस सर, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करोगे, अ बुलेट लूजेस 1 बाय एन ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बुलेट है, इट क्रॉसेस द प्लैंक, लेट्स से दिस इज योर प्लैंक, और एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग दिस वन प्लैंक, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1/n times कम हो जाती है, है ना। बुलेट की जो वेलोसिटी है 1/n times कम हो जाती है। मतलब सपोज करो अगर यहां पे बुलेट की वेलोसिटी u है, तो एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u माइनस 1/n, वन बाय एन वो लूज कर रही है, तो 1/n लूज करेगी तो बचेगी कितनी, टोटल में से 1/n वाले टर्म को मैं माइनस करूंगा तो इतनी वेलोसिटी उसकी बचेगी, है ना। सो ऐसे मैं कितने प्लैंक्स यहाँ पे ऐड करूंगा सर, 1 माइनस, तो आपने u क्यों लिखा, u माइनस u, ऐसे में कितने प्लैंक्स यहाँ पे ऐड करूंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैंक्स विल आई विल एड, सो दैट द बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब बुलेट रुक जाएगी, है ना। ऐसे में कितने प्लैंक्स एड करूंगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले आप एक प्लैंक के लिए लगाओ, है ना। फर्स्ट यू अप्लाई द इक्वेशन व्हेन योर बुलेट क्रॉसेस वन प्लैंक। सर ये u by n कैसे आया, हां u by n, अच्छा ये u by n कैसे आया, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा बेटा, यस सर, हां क्वेश्चन पढ़ा तो क्या समझ आया कि बुलेट जो बुलेट 1/n एनर्जी वेलोसिटी लूज कर रही है एक प्लैंक के पास पार करेगी ना, तो 1/n लूज कर रही है, तो 1/n किसका लूज कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी का लूज करेगी,
वन बाय एन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बुलेट लूज करेगी, तो लूज करेगी तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा ना इनिशियल वेलोसिटी में से. समझ आया? यस सर. बेटा इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की आपको सपोज करो पता है यू, अब वो 1 बाय एन लूज कर रही है, मतलब 1 बाय एन किसका लूज करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का ही तो लूज करेगी ना. तो इनिशियल वेलोसिटी का 1 बाय एन मैंने निकाला और उसको इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास उसकी बची हुई वेलोसिटी आ जाएगी, इतनी वेलोसिटी बची उसकी. गेटिंग इट? यस सर. मुझे सेकंड वाला नहीं आया, तो सेकंड वाला जब मैं समझा रहा था तब आप कहाँ थे क्रिस जैन? जब मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तब आप कहाँ पे थे? नेटवर्क इशू था. हाँ तो नेटवर्क इशू था, तो अब वो सेकंड वाला क्वेश्चन आप, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा उसमें देख लेना, ठीक है? अभी थर्ड वाले पे कंसंट्रेट करो. यस चलो देखो इधर, ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? तो पहले हम एक सिंगल प्लैंक का एनालिसिस करेंगे. अगर मैं एक प्लैंक की बात करूं तो एक प्लैंक पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं फॉर अ वन प्लैंक, तो वन प्लैंक के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई यू माइनस यू बाय एन. Now apply the equation of motion, that is v square minus u square equal to 2 times, here the acceleration will be negative because it is a retardation, 2 times a into s. Okay, I am applying the equation when the bullet crosses one plank. So ek plank ko jab wo cross karegi तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बचेगी एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद u माइनस u बाय n. सो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू, v स्क्वायर विल बी u माइनस u बाय n का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस a इनटू s. इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस ए इंटू एस. देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो व्हाट टर्म इज लेफ्ट, यू विल लेफ्ट विद कौन सा टर्म बच गया, u स्क्वायर को कॉमन ले लो, u अपॉन n को कॉमन, u स्क्वायर अपॉन n, u स्क्वायर अपॉन n को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन n माइनस 2, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 as. चलो ठीक है, इसको एक इक्वेशन का नाम दे दो, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? अब सेकंड इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी? देखो अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने एक प्लैंक की बात करी, अब सपोज करो मैंने एन नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिया यहां पे, दिस इज वन प्लैंक, सिमिलरली टू प्लैंक, लास्ट प्लैंक की बात कर सकते, एन नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिया मैंने, समझ रहे हो? n नंबर ऑफ प्लैंक्स को जब ये क्रॉस करेगी u, इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी हमने मानी u, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0 आफ्टर क्रॉसिंग n नंबर ऑफ प्लैंक्स, इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0 फाइनली, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जब ये लास्ट प्लैंक को क्रॉस करेगी, है ना? तो लास्ट प्लैंक को जैसे ही क्रॉस करेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब हम वापस सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स
acceleration is negative, which is retardation, into displacement will be what? N times of s. आपने n planks मांग रहे हैं ना, तो total displacement क्या हो जाएगा? N times of s. S is the displacement for one plank. One plank के लिए displacement कितना है? S. तो n planks के लिए displacement कितना हो जाएगा? N times of s. Getting it? चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा. तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज v इज योर जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए एन एस. दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को कंपेयर करो. फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहां से आपको 2as का वैल्यू मिल जाएगा. सो 2as का वैल्यू यहां से नीचे पुट कर दो. सेकेंड इक्वेशन में 2as का वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन में 2as का वैल्यू कितना आ रहा है? u स्क्वायर अपॉन n, 1 अपॉन n माइनस 2. सो यू विल पुट हियर माइनस 2as का वैल्यू कितना आ रहा है? u स्क्वायर अपॉन n, 1 अपॉन n माइनस 2 इंटू कैपिटल n. मैंने माइनस 2as का वैल्यू ऊपर से पुट किया. माइनस 2as का वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया. देखो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट किया, बिल्कुल सही है क्या? चेक कर लो. u स्क्वायर अपॉन n, 1 अपॉन n माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस 2as. आई हैव पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? देखो माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, समझ आया? अब यहां से आप n की वैल्यू फाइंड कर लोगे. देखो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन इंटू एन अपॉन वन बाय एन माइनस टू, ठीक है. इसको सॉल्व कर लोगे यहां से आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स मिल जाएंगे. समझ गए कितना आ रहा है आंसर? इसको सॉल्व करके बताओ जरा मेरे को. एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन आ रहा है, सबका आ रहा है, वेरी गुड. एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस वन. अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये रिलेशन आप डायरेक्टली याद भी रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको? एग्जाम में जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, या जिसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस बोलते हो, तो वो क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं? सपोज बुलेट लूज कर देती है 1/5 ऑफ वेलोसिटी. बुलेट कितना लूज कर देती है? 1/5 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो आपको n का वैल्यू डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा 5. तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहां पे 5 पुट करोगे, तो 5 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 1, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. सपोज आपको क्वेश्चन में बोले कि बुलेट इज लूजिंग हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, सो आपको n का वैल्यू मिल गया, छोटे वाले n का वैल्यू कितना हो गया? 2. सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स by putting in this equation, which is 2 square upon 4 minus 1. समझ रहे हो? So आपको भले 1/3 velocity lose कर रहा है, कई बार question में दिया होगा 1/4 velocity lose कर रहा है, कई बार question में दिया होगा 1/6 velocity lose कर रहा है, कई बार question में दिया होगा 1/10 velocity lose कर रहा है. So जितना भी velocity lose कर रहा है वो, उसमें आपको small n का value पता चल जाएगा. तो स्मॉल एन का वैल्यू जैसे ही आप इक्वेशन में डालोगे आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स पता चल जाएंगे. सो दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म. तो अगर आप इसको याद भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आपको सॉल्व करना होता है, अगर आपको डायरेक्टली ये रिलेशन याद है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड गेट द आंसर, है ना. नहीं तो फिर आपको ये वापस ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, ठीक है. टू टाइम्स यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, देन यू विल गेट द आंसर. समझ आया?
हाँ सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिसका होमवर्क अभी भी रिमेनिंग है वो होमवर्क आज कंप्लीट कर लेंगे अपना, जिन्होंने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है आज की डेट में उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सो वी विल डिराइव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग कैलकुलस, है ना। सो वी विल डिराइव दिस इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन सबको पता है, yes, sir. ना? आज हम इसको निकालेंगे कि ये इंटीग्रेशन से कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिराइव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो हमें एक रिलेशन पता है डीवी अपॉन डी टी, सॉरी हमें रिलेशंस कौन कौन से पता, देखो वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, है ना। सो बताओ कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे अगर हमें ये इक्वेशन को डिराइव करना है। सर दोनों में से डी टी को एक साइड ले लेते हैं, फिर जो आएगा इसको इक्वल करके हो जाएगा। वेरी गुड, चलो देखो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी लेट से, है ना। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को लिखा, I can write this equation like this also, a into dt which is equal to dv, मैंने क्या किया dt को cross multiply कर दिया, so you will get a into dt is equal to dv. Now integrating both the sides with the proper limits, so बताओ velocity कहाँ से कहाँ vary करेगी, your velocity will change from initial to final, initial velocity is u, final velocity is v, let's say initial time is 0, final time is t, now you have to integrate this, so we are talking about uniform acceleration, we are deriving the equation for uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर नहीं आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर तो फिर उधर एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा ना। हाँ अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है तभी आप कि ये तीनों इक्वेशंस वैलिड है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यूज करी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो हम यूज करते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इट इज रिटन दैट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट देन ओनली यू कैन अप्लाई ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, अगर आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप ये तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। These three equations are only valid when acceleration is constant or uniform. तो जब acceleration आपका constant हो जाएगा तो वो integration sign के बाहर आ जाएगा। When your acceleration will become constant, then it will be come out of the integration. तो integration sign के बाहर आ जाएगा। तो देखो कौन सा term बचेगा आपके पास,